सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो है 2.5/2, 3.7/2। थोड़ा सा मैं तेज आज बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसी बोलता नहीं हूँ, स्लो बड़ा पढ़ाता हूँ। इस सीक्वेंस को चेक करते हैं क्या एपी है। तो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे और इसको कोड कर देते हैं, a1 a2, देखो छोड़ दिया, a3 a4, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ a1 इज इक्वल टू a1 कितना आ गया 2, और a2 कितना आ जाएगा, जरूरत नहीं निकालने का, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अच्छा a1 a2 हम जो लिख रहे हैं क्या सही है, बिल्कुल नहीं, तो इसको यार टाइम पास के लिए क्यों लिखे, जरूरी नहीं है ना। तो d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 5/2 -2, ठीक है, एलसीएम 2, 5 -4 कितना आ जाएगा 1/2, d1 आ गया 1/2, ठीक है, यही रुकना नहीं आगे चलना है। d2 चेक करते हैं, तो d2 है a3 -5/2, चेक करते हैं, यानी कि फॉर्मूला जगह में हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया है ना, तो 3 -5/2, 3 -5/2, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो याद रहेगा 2, 2 3 6, यानी कि 1/2, ये आ गया d2। यहीं नहीं रुकेंगे आगे चलेंगे, ठीक है, रुकना यहाँ नहीं है, आगे तक काम करना है, चेक करते, हो सकता है आगे में कि एपी ना बनाता हो। तो d3 इज इक्वल टू a4 -a3, a4 है 7/2, ठीक है, -3, अच्छा कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, a3 ना, ठीक है ठीक, एलसीएम लो जरा सा, तो 7/2 -3, सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो d3 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2, 7 कॉपी, 2 3 6, सबट्रैक्ट करेंगे 1/2, यह आ जाएगा d3, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 1/2, अब यहां से देखना, समझना, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म एन एपी, जो दिया गया हमें लिस्ट है वो क्या कर रहा है, एपी बना रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है अगर एपी बना रहा है तो 3 टर्म और लिखो, ठीक है, देयरफॉर 3 मोर टर्म, लैंग्वेज लिख देते, 3 मोर टर्म इज, ठीक, 3 मोर टर्म इज, पहले क्या करते हैं, हमें a4 है, a5 निकालना है, a5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a+4d, a कितना है, a 2+4 इनटू डी कितना है भाई, 1/2, कैंसल आउट कितना आ जाएगा 2, ठीक है, यानी कि 2+2, a5 क्या आ गया, a5 आ गया 4, ठीक है, a6 a+5d, ए आ जाएगा 2+5 इनटू 1/2, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा इसमें यार, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। तो a6 इज इक्वल टू 2+5/2, एलसीएम लो जरा यार, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 की टेबल में अगर 1 पढ़ा जाए 1 से, तो 2 की टेबल में 2 बार आना था, 2 को गुना 2 से कर देंगे तो 4+5 यानी कि 9/2 आ जाएगा, ये आ गया 6, छठवा टर्म, सातवा निकालना, a7 इज इक्वल टू a+6d, तो ए है 2+6 इंटू 1/2, ये कैंसल आउट करेंगे तो 3, यानी कि 2+3 ऐड करेंगे कितना जाएगा 5, ए 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमें 3 मोर टर्म अब लिखना चाहिए, लेकिन पहले मैंने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं, हेंस हेंस द रिक्वायर्ड, सही से कर दूंगा, रिक्वायर्ड 3 मोर टर्म इज क्या क्या आया हुआ, एक तो 4 आया है और दूसरा आपके पास में आया हुआ है 9/2,
और तीसरा आया है 5, ठीक है, ये ऐसे करना है। आगे चलेंगे, कॉपी करो तब तक मैं इधर मिटा देता हूँ। 15 पार्ट है, 15 बहुत होते हैं यार, ठीक है, कुछ छोड़ूंगा मैं, अगर बोलेंगे तो करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हम सीख रहे हैं जो सीक्वेंस गिवन है एपी का, वो है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन, ठीक। A1, A2, A3, A4, आगे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना -3/2, -1/2, -3/2, माइनस माइनस प्लस 1.2, बाई टू नहीं है 1.2 है, अगर मैंने मिस्टेक से पढ़ दिया तो सॉरी, 3.2 है, -3.2 और -1.2 है, ठीक है। अब इसको सबट्रैक्ट करना, तो -3.2 प्लस 1.2, 2 में 2 0, ठीक है, -2, ठीक है, कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ गया -2, ठीक है, क्वांटिटी लगाओ के लगा लो, कोई परेशानी नहीं। अब बात करें D2 को, जरा A3 माइनस A2, A3 -5.2, -3.2, -5.2, और ये माइनस है पहले से, माइनस माइनस प्लस 3.2, सब्ट्रैक्ट करो जरा सा, 2 में 2 0, 3 में -2.0, सेम आ रहा है। आगे चलते हैं, उसको भी चेक करते हैं, लग तो रहा है कि सेम आ जाएगा। D3, D3 में A4 माइनस A3, A4 माइनस 7.2, माइनस और माइनस प्लस डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, 5.2, सबट्रैक्ट करोगे 0.2, ठीक है, माइनस के साथ D3, इसमें भी 3 मोर टर्म लिखना है, कोई बात नहीं, ठीक है। देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D2, ये आ गया 2.0, ज्यादा मिस्टेक मार रहा है ना, बोलने में ठीक है, कोई बात नहीं। 3 मोर टर्म लिखना है, कहां खत्म हो रहा, 4 तक, A5 निकालते हैं, A5, तो A5 क्या होता है, A+4D, A है -1.2 + 4 इंटू कॉमन डिफरेंस आया है -2, -1.2 + -4 = 8, ऐड करोगे तो -9.2, ठीक है, A5। A6 निकाल लेते तो ये आ जाएगा हमारे पास में A+5D, ये है 1.2 माइनस के साथ, +5 इंटू डी है -2.0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यह आ जाएगा -1.2 + -10, यह आ जाएगा 11 - 11.2, A6 आ गया, A7, A+6D, ये है -1.2 + 6 × -2, मल्टीप्लाई करो -1.2 + -12, यानी कि 13, -13, कितना आ जाएगा 2, ये आ गया A7।
टाइम मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है 11.2 सबट्राक्ट करेंगे 2000, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो अब थोड़ा सा लिखना है यार, जगह तो है नहीं, तो लिख लोगे। थ्री मोर टर्म इज -9.2 -11.2 और -13.2, ठीक है। पहले इसे करो, मिटाते हैं।